हेलो फ्रेंड्स, आज के इस विजुअल बेसिक डॉट नेट ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। विजुअल बेसिक डॉट नेट के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट के सारे सिंटैक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम जो इफ सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट है, इसका जो पहला सिंटैक्स है उसमें हम लोग इफ के बाद एक कंडीशन लिखते हैं जिसको हम लोगों को टेस्ट करना होता है और जिसके सही होने पे हमको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराना होता है। तो सबसे पहले इस सिंटैक्स वन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये इसमें सिर्फ कंडीशन के सही होने पे ही कोई काम होगा, कंडीशन के गलत होने पे कोई भी काम नहीं होगा। तो चलिए विजुअल बेसिक डॉट नेट यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। अभी यहाँ बटन वन पे मैं डबल क्लिक करता हूं ताकि बटन वन का क्लिक इवेंट खुल जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूं dim num as integer, ठीक है। मुझे एक नंबर का इनपुट लेना है तो मैं यहाँ लिखता हूं num equals cint, या आप चाहो तो कन्वर्ट डॉट टू आई टू इंटीजर भी यूज कर सकते हो, 16, 32, 64 जो भी है। और यहाँ पे इनपुट बॉक्स मेथड का मैं यूज करता हूं और मैसेज दे देता हूं यूजर के लिए, इंटर एनी इंटीजर, ठीक है। तो अब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा num इक्वल सी आई टी इनपुट बॉक्स इंटर एनी इंटीजर, तो जो भी इनपुट डाला जाएगा यूजर के द्वारा वो num में चला आएगा। अब मैं यहां लिखता हूं, सपोज मुझे चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि नहीं, तो इफ num mod 2 इक्वल्स 0 देन, मतलब कि अगर num के वैल्यू में 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, तो भाई मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, str ऑफ num is an even integer, is an even integer। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा कि अगर num का वैल्यू 2 से डिविजिबल हो तो ये मैसेज डिस्प्ले करो। मैंने ये नहीं लिखा कि अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो तो क्या करना है। अभी हम इसको रन करवाते हैं तो ये करेगा क्या ना कि जब भी मैं कोई इवन नंबर डालूंगा एज एन इनपुट तो उसके लिए तो ये मैसेज शो कर देगा कि जो नंबर आपने डाला वो इवन नंबर है। लेकिन जब मैं कोई ऑड नंबर डालूंगा, विषम संख्या डालूंगा, तो उसके लिए चूंकि यहां पे else मैंने यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इफ यूज किया सिंटैक्स वन को समझाने के लिए, तो ये उस केस में जब आप ऑड नंबर डालोगे ना तो ये कोई भी मैसेज नहीं देगा। ये लिमिटेशन है सिंटैक्स नंबर वन का और यही वजह है कि सिंटैक्स नंबर टू भी आपके सामने है। अभी हम लोग यहां बटन वन पे क्लिक करते हैं। अब देखो इसने एक नंबर मांगा, सपोज मैंने डाल दिया 12 जो कि एक इवन इंटीजर है, ओके किया तो देखो यहां आ गया ना 12 इज एन इवन इंटीजर। लेकिन चलो दोबारा से बटन वन पे क्लिक करता हूं, कोई ऑड इंटीजर डालता हूं जैसे 33, देखो कोई भी मैसेज नहीं आया। तो ये आपका लिमिटेशन है एक्चुअली सिंटैक्स वन का। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि वहां पे आपको इसको लिखना है जहां पे कंडीशन के सही होने के लिए ही सिर्फ काम लिखना है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि नहीं कंडीशन सही हुआ हो अगर, तब तो ठीक है, तब तो कोई कोड एग्जीक्यूट हो जैसे कि अभी हो रहा है। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो तो भी कोई कोड एग्जीक्यूट हो, जैसे यहां पे कि भाई अगर num का वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो आप क्या डिस्प्ले आपने करा दिया, तो आपने डिस्प्ले करा दिया कि num में जो वैल्यू है ना इज एन इवन इंटीजर। अब यही पे मैं लिख देता हूं एल्स, नहीं तो भाई मैसेज आप डिस्प्ले करा दो कि num में जो वैल्यू है ना इज एन ऑड इंटीजर। अब इसको आप एग्जीक्यूट कराओ। तो एक्चुअली सिंटैक्स के साथ खूबी क्या है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सिंटैक्स में, यहां पे मैंने जो कंडीशन लिखा तो उस कंडीशन के सही होने के लिए मैंने कोड लिखा है ना, और अगर ये कंडीशन नहीं सही है तो भी आपके पास जगह है else में, आप उसके लिए भी कोड लिख सकते हो। तो अब देखो पिछली बार मैं कोई इवन नंबर डाल रहा था तो उसके लिए जैसे इस बार भी इवन इंटीजर दे रहा है मैसेज, पिछले बार भी दे रहा था,
लेकिन ऑड नंबर डालने पे जो मैसेज नहीं आ रहा था, अब देखो 33 इज एन ऑड इंटीजर ऐसा भी आ रहा है, मतलब ज्यादा अच्छा हो गया। इवन के लिए भी मैसेज आ रहा है और साथ ही साथ कोई ऑड नंबर के लिए भी आपके पास मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो गया आपका सिंटैक्स नंबर टू का, इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसी तरह से अपने पास सिंटैक्स नंबर तीन है जहां पे आप मल्टीपल टाइम्स एल्सिफ 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 लिख सकते हो। इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो। कैसे, आइए प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां मैंने इनपुट लिया हुआ है, आपको कहा गया कि भाई अगर अगर नम में लेस देन जीरो है, देन नम का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो आप मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दो डॉट शो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, ओके। लेकिन इसके बाद आपका कहा गया कि भाई ये तो एक चीज हो गया, लेकिन अगर नम का वैल्यू जीरो है, नहीं तो अगर, नहीं तो अगर नम का वैल्यू क्या है जीरो, देन क्या करो, देन मैसेज बॉक्स डॉट शो जीरो। इसी तरह से मल्टीपल टाइम्स, जैसे अगर वन हो, नहीं तो अगर नम में जो वैल्यू है ना वो इक्वल क्या चीज के हो, तो वो इक्वल हो वन के तो वन डिस्प्ले कर दो, सिमिलरली अगर इक्वल हो टू के तो यहां पे टू डिस्प्ले कर दो, और फाइनली एक समय के बाद तो आपको कहा गया कि ठीक है अब इसके अलावा नहीं डिस्प्ले करना है, अदरवाइज आप शो कर दो आई डोंट नो हुआ यू, आई डोंट नो हुआ यू, ठीक है। तो यहां पे आपने एक्चुअली मल्टीपल कंडीशंस लिखा, अगर नम का वैल्यू लेस देन जीरो है तो आपने शो करवाया है कि भाई वैल्यू इज लेस देन जीरो, अगर नम का वैल्यू जीरो है तो आपने डिस्प्ले कराया है जीरो, अगर वन है तो वन, अगर टू है तो टू, अगर आप चाहो तो इसी ढंग से थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर, ऐसे भी यूज कर सकते हो। फाइनली फाइनली आपको एल्स में लिख देना है, फाइनल वाले में आपको कंडीशन नहीं लिखना है, फाइनल वाले में आपको लिख देना है कि नहीं तो आई डोंट नो हु आर यू या जो भी मैसेज आपको देना है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर सिंटैक्स के साथ ये बेनिफिट है कि आप यहां पे मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो, पहले कंडीशन के सही होने पे आप ये काम करवाओ, दूसरे कंडीशन के सही होने पे आप ये काम करवाओ, तीसरे कंडीशन के सही होने पे आप तीसरा काम करवाओ एंड सो ऑन, और फाइनली आप एल्स लिख के आगे बढ़ जाओ। तो देखो अभी मैं यहां पे कोई निगेटिव नंबर डालता हूं, जैसे मैंने मान लिया यहां पे इनपुट दिया -10, देखो यहां पे आ रहा लेस देन जीरो, ओके। अभी मैं जीरो देके देखता हूं तो देखो जीरो आ रहा है, अब इस बार मैं वन देके देखता हूं इनपुट में, देखो वन आ रहा है, टू देके देखता हूं देखो टू आ रहा है, ठीक है। अभी थ्री देके देखता हूं देखो आई डोंट नो हु आर यू, अब आप कुछ भी डाल दो, जैसे 1200 मैंने डाला आई डोंट नो हु आर यू। तो ये आपका हो गया इफ एल्स लैडर बेस को कहा जाता है। इस पे इसके साथ खासियत ये है कि आप मल्टीपल कंडीशंस को के लिए आप कोड लिख सकते हो, कंडीशन वन कंडीशन टू कंडीशन थ्री सबको अलग अलग चेक करके आप उसके लिए एग्जीक्यूट करवा सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अभी देखो अगर इफ के अंदर आप इफ यूज करते हो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, और इफ के अंदर इफ नहीं आप चाहो तो एल्स के अंदर भी इफ यूज कर सकते हो। तो ये फाइनल सिंटैक्स नंबर फोर है जिसमें आप इफ के अंदर इफ यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कुछ काम ऐसा है ना जो कि जैसे आपको कहा जाता है कि कोई नंबर अगर ध्यान देना अगर नंबर पांच से डिविजिबल है, इफ नम मॉड फाइव इक्वल जीरो, तो भाई पांच तो डिविजिबल है, फिर आप लिखते हो कि उसके बाद अगर नम मॉड थ्री इक्वल्स जीरो,
देन मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स डॉट शो आपका जो num है ना, str ऑफ num, ये डिवाइडेड है क्या चीज से, इज डिवाइडेड बाय बोथ पाइप एंड थी। हालांकि इसके लिए आप चाहते हैं तो एंड का यूज करके भी आप लिख सकते थे, मैं अभी लिख के बता दूंगा, लेकिन क्योंकि अभी मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को ये बताना कि नेस्टेड इफ कैसे लिखते हैं, तो इसलिए मैंने इफ के अंदर इफ लिखा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि अगर नम में जो भी वैल्यू है वो 5 से डिविजिबल है अगर, तो फिर चेक किया मैंने कि ठीक है चलो ये तो डिसाइड हो गया कि 5 से डिविजिबल है तभी तो अंदर आया, तो फिर मैंने चेक किया कि क्या वो 3 से भी डिविजिबल है, तो हाँ, तो डिवाइडेड बाय बोथ 5 एंड 3, या आप इसको कह सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 15, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, चलो मैं दोनों मैसेज देता हूं इज डिवाइडेड बाय 15, 5 और 3 दोनों से अगर डिवाइडेड है कोई नंबर तो वो 15 से भी डिवाइडेड होगा ही। देखो अभी इसको हम लोग चेक करते हैं ना, इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं अभी, देखो तो ये बेनिफिट है आपका। हालांकि देखो बचो इसके इस्तेमाल से, इफ के अंदर इफ जहां तक हो सके, जैसे अभी मैं इसको दिखाता हूं कि ये काम मैं और कैसे कर सकता हूं। देखो अभी यहां बटन वन मैंने 15 डाला, ओके देखो 15 इज डिवाइडेड बाय बोथ 5 एंड 3, या आप कह सकते हैं कि 15 इज डिवाइडेड बाय 15, चलो 30 मैं डालता हूं। लेकिन अगर मैं कोई वैसा नंबर डाल दूं जो सिर्फ 5 से डिविजिबल हो, जैसे मैंने 5 डाला, ओके देखो कुछ भी मैसेज नहीं आया क्योंकि मैंने इसमें एल्स नहीं लिखा। मैं कोई वैसा नंबर डाल दूं जो सिर्फ 3 से डिविजिबल हो, भाई वो तो अंदर गया ही नहीं, वो 5 से ही डिविजिबल नहीं था तो अंदर जाएगा कैसे। 100 डालता हूं, 100 5 से डिविजिबल है लेकिन देखो 3 से नहीं है, तो उसके लिए मैसेज नहीं आया क्योंकि अंदर वाले पोर्शन में मैंने एल्स नहीं लिखा है, वहां पे मैं चाहूं तो एल्स भी लिख के काम कर सकता हूं। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो मैंने क्या कहा कि इससे बचना चाहिए, आप ऐसा लिखो ना इफ अगर नम मॉड 5 इक्वल्स 0 एंड नम मॉड 3 is also equal 0, then आप देखो इस पे यहां पे मैंने nested if नहीं यूज किया, मैंने क्या किया कि if में ही दोनों कंडीशन को मैंने and के साथ यूज कर लिया। आप चाहो तो and also के साथ भी यूज कर सकते हो, आउटपुट सेम आएगा। हाँ nested if का यूज नहीं हुआ, सिंपल हो गया ये, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जहां तक हो सके ना ऐसा ही सिंपल सिंटैक्स आप यूज करो, बहुत जहां पे एकदम रहे कि नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता है तभी आप नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करो। अभी देखो मैं कोई वैसा नंबर, चलो मैंने 30 डाला, ओके 30 इज डिवाइडेड बाय बोथ 5 एंड 3, 30 इज डिविजिबल बाय 15 है ना, लेकिन मैं अगर डाल दूं 100 देखो कोई मैसेज नहीं आया। आप चाहो यहां पे एल्स में मैसेज दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने सीखा इफ का टोटल 4 सिंटैक्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इफ स्टेटमेंट प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।